आज के वीडियो के अंदर 50,000 के अंदर मिलने वाले बेस्ट ऐसे लैपटॉप्स के बारे में बताऊंगा। इनमें से i3 13 Gen भी रहेंगे एंड लेटेस्ट AMD के प्रोसेसर के लैपटॉप्स भी रहने वाले हैं। अगर आपका भी बजट है 50,000 रुपया, देन डेफिनेटली इस वीडियो को अंत तक पूरा देखो। नमस्कार, मेरा नाम है जय, आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी। हमारे चैनल में ऐसे ही लैपटॉप रिलेटेड वीडियोज मिलते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो पे लाइक कर देना। इस वीडियो में नंबर 5 में मैंने जिस लैपटॉप को सिलेक्ट किया, ये ASUS की तरफ से आने वाला ASUS का VIVOBOOK 15 सीरीज का लैपटॉप है। i3 का 1220p एकदम ही लेटेस्ट 12 जनरेशन का प्रोसेसर है और इस प्राइस के अंदर वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर आप इसको बता सकते हो। 10 कोर और 12 थ्रेड्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे लगता है एनफ है कोई भी गेमिंग या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए। 8GB का DDR4 रैम मिल जाएगा, 512GB का NVMe M.2 SSD देखने को मिल जाएगा, 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले, साथ ही साथ 60Hz का रिफ्रेश रेट भी आपको इस डिस्प्ले में मिलता है, अप टू 6 आवर्स तक बैटरी बैकअप एंड इसके साथ साथ आपको MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए भी देखने को मिल जाता है। ओवरऑल अगर देखा जाए, ASUS की तरफ से आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी प्रोवाइड किया गया है एंड ये लैपटॉप एलेक्सा बिल्ट इन के साथ भी आता है। अभी के टाइम पे इसका प्राइसिंग अगर देखोगे Amazon के अंदर आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 42,990 रुपीज के आसपास में। वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है, डेफिनेटली चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, 4th नंबर पे जो लैपटॉप मैंने रखा है, ये Lenovo की तरफ से आने वाला Lenovo का IdeaPad Slim 3 सीरीज का लैपटॉप है। ये एक लौता लैपटॉप है, 50,000 के रुपया में मिलने वाला Ryzen 7000 सीरीज का प्रोसेसर लेकर आता है। आगे बढ़ने से पहले इस लैपटॉप के कुछ कुछ खास बातें बता दो। इसके अंदर बैकलिट कीबोर्ड देखने को मिल जाता है, रैपिड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको Lenovo ने दिया है, साथ ही साथ फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको मिल जाता है एंड नम पैड का सपोर्ट भी मिलता है। ओवरऑल अगर देखा जाए, वाईफाई भी लेटेस्ट मॉडल देखने को मिलेगा, ब्लूटूथ भी लेटेस्ट मिलेगा, तो इस लैपटॉप को एक ऑलराउंडर लैपटॉप आप बता सकते हो इस प्राइस में मिलने वाला। Ryzen 5 7520U प्रोसेसर लेकर आता है। यहाँ पे आपको 4 कोर एंड 8 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं, 15.6 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, फुल HD डिस्प्ले है एंड यहाँ पे TUV Ryzen लाइन का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। एक चीज तो बहुत सही है कि इसके डिस्प्ले में जो ब्राइटनेस है वो आपको दूसरे लैपटॉप की तुलना में थोड़ा ज्यादा मिलेगा, बिकॉज 300 nits का ब्राइटनेस है, सो ज्यादा ही मिलता है। दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर LPDDR5 रैम सपोर्ट देखने को मिलता है, 16GB का रैम आपको मिलता है जो कि LPDDR5 रैम है एंड इसको आप अपग्रेड भी कर पाओगे, साथ ही साथ 512GB के SSD भी दिया गया है। तो चारों तरफ से देखा जाए तो लेटेस्ट चीज आपको मिलता है इस प्राइस में। बाकी विंडोज 11 होम देखने को मिल जाता है, जो कि लाइफ टाइम के लिए सपोर्ट है, एक्सबॉक्स का गेम पास मिलता है 3 मंथ्स के लिए। इस लैपटॉप में दो खास चीजें मुझे ये लगता है कि सबसे ज्यादा बेटर है दूसरे लैपटॉप की तुलना में, जो कि है मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी। यहाँ पे जो ड्यूरेबिलिटी मिलता है बहुत कुछ टेस्ट होकर आता है, तो अगर अगले 4-5 सालों तक कोई लैपटॉप इस्तेमाल करना चाहते हो तो इसको जरूर ले सकते हो, स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे। इसमें आपको वारंटी मिलता है 2 साल का, Lenovo ने ही प्रोवाइड करता है ये जो वारंटी है, आपको 2 साल के अंदर अगर कुछ होता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी ठीक करके देगा लैपटॉप। अभी के टाइम पे Amazon पे 43,690 रुपया इसका प्राइस है। दोस्तों इसका प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है, अपने हिसाब से देख लेना, ज्यादातर हो सके जल्दी परचेस करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन इज HP 15S। अभी के टाइम पे करेंटली 45,990 रुपया में बिक रहा है। ये लैपटॉप Ryzen लवर्स के लिए है, जो लोग Ryzen के प्रोसेसर बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और उनको एक ऐसा तगड़ा प्रोसेसर चाहिए जिसमें गेमिंग के साथ साथ एडिटिंग भी बड़े अच्छी तरीके से हो जाए, ऑल्सो ऑफिस वर्क अगर आप करना चाहते हो वो भी मक्खन की तरह हो जाएगा, तो इस लैपटॉप को देख सकते हो। Ryzen 5 5500U देखने को मिलता है, जो कि 6 कोर 12 थ्रेड लेकर आता है। भाई लेजेंडरी प्रोसेसर है, एक टाइम पे ये प्रोसेसर बहुत ज्यादा बिका था, ऑल्सो 2024 आने वाला है और इस साल में भी बहुत ज्यादा बिकने वाला है ये वाला प्रोसेसर, बिकॉज वैल्यू फॉर मनी है। इस प्राइस में आप सब कुछ कर सकते हो जो कि ये प्रोसेसर आपको प्रोवाइड करता है एंड Radeon Vega ग्राफिक्स भी है, जो कि गेमिंग में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। 16GB का रैम देखने को मिल जाता है, 512GB का PCI Gen 3 SSD देखने को मिलता है, 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले के साथ साथ फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको इस लैपटॉप में मिल जाएगा। कुछ खास चीजें बता दूं, डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट है, लेटेस्ट वाईफाई सपोर्ट मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पे एलेक्सा बिल्ट इन का सपोर्ट भी HP ने आपको दिया है और रैपिड फास्ट चार्जिंग मिलता है, 45 मिनट तक आधे घंटे में आपका लैपटॉप फुल चार्ज हो जाएगा। तो ये लैपटॉप जो है आपको ऑलराउंड एक लैपटॉप बता सकते हो आप इसको। प्राइसिंग के हिसाब से देखा जाए बहुत कुछ मिलता है आपको इस लैपटॉप में। अगर HP लवर हो, आपको HP में AMD का प्रोसेसर चाहिए, तो डेफिनेटली इस वाले लैपटॉप की तरफ जा सकते हो। अब बात करते हैं नंबर 2 पे आने वाले लैपटॉप के बारे में। मुझे बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ा, बिकॉज अभी के टाइम पे ज्यादा कंपटीशन है, हर एक बजट के अंदर आपको अच्छे अच्छे लैपटॉप्स मिल जाएंगे, बट उनमें से एक अच्छा चूज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्टी वाला बात हो जाता है। तो मैंने बहुत सोच समझने के बाद Xiaomi की तरफ से आने वाला Xiaomi Notebook Ultra Max इस वाले लैपटॉप को चूज किया। करंटली प्राइसिंग है 48,990 रुपीज। भाई वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है, और अगर आपको फ्लैगशिप एक्सपीरियंस चाहिए मेटल बॉडी के साथ, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस लैपटॉप। कोर i5 11320H प्रोसेसर देखने को मिलता है। अब ये चीज आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, 8 सीरीज का प्रोसेसर है, इसका मतलब हाई परफॉर्मेंस का प्रोसेसर है।
मार्केट में तीन तरीके के प्रोसेसर मिलते हैं, एक यू सीरीज, एक पी सीरीज एंड एक एच सीरीज। यू सीरीज जो होता है वो नॉर्मली 20,000 से 30,000 के लैपटॉप में मिलते हैं, एंड जो पी सीरीज होते हैं वो थोड़ा सा ज्यादा मतलब 60,000-70,000 के लैपटॉप में मिल जाते हैं। एंड अगर आप उसके ऊपर में जाते हो तो आपको एच सीरीज के प्रोसेसर मिलता है जो कि एकदम ही हाई परफॉर्मेंस वाले प्रोसेसर होते हैं। सो वो वाला प्रोसेसर आपको इतने कम प्राइस के अंदर Xiaomi वाले प्रोवाइड कर रहे हैं। 4 कोर 8 थ्रेड्स के साथ साथ इस वाले प्रोसेसर में आपको 4.40 GHz तक का मैक्सिमम क्लॉक स्पीड देखने को मिलता है। गेमिंग करो, एडिटिंग करो, नो डाउट बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस मिलेगा। सेकंड थिंग आई हैव नोटिस दैट कि इसके जो डिस्प्ले है वो अभी के टाइम पे जो 5 लैपटॉप मैंने चूज किए ना, 5 में से सबसे टॉप इसका डिस्प्ले है। इसमें IPS डिस्प्ले मिलता है 3.2K रिजोल्यूशन के साथ, साथ ही साथ 300 nits का मैक्सिमम ब्राइटनेस देखने को मिलता है। 100% sRGB के साथ साथ आपको यहाँ पे 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। 100% sRGB किनको चाहिए, जो लोग भाई बहुत टाइम तक काम करते हैं IPS डिस्प्ले के साथ, और कलर्स वगैरह एकदम ही एक्यूरेट जिनको चाहिए, तो 100% sRGB वाला ये डिस्प्ले है। ऊपर से 3.2K रिजोल्यूशन है, एकदम फ्लैगशिप एक्सपीरियंस आपको मिलेगा इसके डिस्प्ले में। 16GB का रैम मिलता है जो कि 3200 MHz में रन करता है, 512GB का SSD है। MS Office 2021 लाइफ टाइम के लिए देखने को मिल जाता है। बैकलिट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट स्कैनर, डुअल बैंड वाईफाई एंड साथ ही साथ नम पैड, आपको सब कुछ मिल जाता है विद टाइप सी फास्ट चार्जिंग। जेन्युइन लैपटॉप है भाई, ले सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, गो फॉर इट। अब हम लोग बात करेंगे नंबर 1 पे मैंने किस लैपटॉप को रखा है। बहुत लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, अगर आप भी इंतजार कर रहे हो तो लाइक कर सकते हो। अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया, क्या कर रहे हो यार, लाइक कर दो। इस लैपटॉप कम्स फ्रॉम Asus VivoBook 16X 2022 का मॉडल है। अब जैसे कि मैं बात कर रहा था, एच सीरीज का जो प्रोसेसर है वो एकदम हाई लेवल के होते हैं, वो AMD में बताओ, इंटेल में बताओ, दोनों में ही एच सीरीज आते हैं। तो इस वाले लैपटॉप के अंदर आपको मिलता है Ryzen 5 5600H प्रोसेसर। माय गॉड, अगर कोई ऐसा प्रोसेसर चाहिए जिसमें टॉप नॉच आपको एक्सपीरियंस मिले तो ये इसमें मिलता है। 6 कोर 12 थ्रेड्स के साथ आपको यहाँ पे 4.2 GHz तक का मैक्सिमम क्लॉक स्पीड ये लैपटॉप प्रोवाइड करता है। परफॉर्मेंस के बारे में बताऊंगा ही नहीं, सभी लोगों को पता है, उतना ज्यादा एक्सप्लेन करना नहीं है। सेकंड जो थिंग है यह है इसका डिस्प्ले, 16 इंच का डिस्प्ले मिलता है। दोस्तों जेन्युइनली जितने भी लैपटॉप होते हैं 15.6 इंच के लैपटॉप होते हैं, बट इसमें 16 इंच का डिस्प्ले है, थोड़ा बड़ा है। अगर आपको मॉनिटर के जैसा वाइब्स लेना है, आपको एडिटिंग करना रहता है ज्यादा, बड़ा स्क्रीन चाहिए, अगर आप कलर ग्रेडिंग वगैरह करते हो या फिर ऑटो कैड वगैरह चलाते हो, तो आपके लिए इसका डिस्प्ले बहुत ज्यादा कारगर हो सकता है। WVUXGA आपको यहाँ पे स्क्रीन देखने को मिलता है। IPS लेवल का पैनल है, 300 nits का मैक्सिमम ब्राइटनेस दिया गया है। 8GB का ऑनबोर्ड रैम देखने को मिलता है विच वाज एक्सपेंडेबल। 512GB का NVMe M.2 SSD देखने को मिल जाता है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसके अंदर आपको Radeon Vega 7 ग्राफिक्स दिया गया है, जो कि एकदम ही लेटेस्ट ग्राफिक्स है। 8 घंटे तक का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा फास्ट चार्जिंग के साथ साथ। यहाँ पे बैकलिट चिकलिट कीबोर्ड दिया गया है, नम पैड भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा विद टाइप सी पोर्ट। वाईफाई 6 का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट है, फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है बैकलिट कीबोर्ड के साथ। ओवरऑल अगर देखा जाए ना, द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है अभी के टाइम पे। अगर देखते हो 50,000 रुपया में आपको यही लैपटॉप बेस्ट देखने को मिलता है मेरे हिसाब से। मार्केट में इसका प्राइस 10 रुपया कम है 50,000 से, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। पांचों के पांचों लैपटॉप्स के लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने देके रखा है। अगर अभी भी कोई डाउट है मन में, कोई लैपटॉप लेने से पहले कुछ पूछना चाहते हो, यू कैन डेफिनेटली कॉमेंट इन बॉक्स, आप बता सकते हो कॉमेंट बॉक्स में, मैं रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। चलिए मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ, मिलता है दूसरे किसी लैपटॉप के वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।